पूर्व कैबिनेट मंत्री विधायक फतेह बहादुर सिंह, एसएसपी दिनेश कुमार पी व अधिवक्ता नीरज शाही का फर्जी फेसबुक आईडी के माध्यम से ठगी करने वाले 6 अभियुक्तों को कैंट पुलिस और साइबर टीम ने गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। रिजर्व पुलिस लाइन के व्हाइट हाउस सभागार में घटना का सनसनीखेज खुलासा करते हुए एसएसपी दिनेश कुमार पी ने बताया कि गिरफ्तार अभियुक्तों ने एसएसपी गोरखपुर के नाम व फोटो का प्रयोग करके फर्जी फेसबुक आईडी बना ली थी और मेरे शुभचिंतकों से पैसे की मांग करते थे। इसी के साथ पूर्व कैबिनेट मंत्री कैंपियरगंज के विधायक फतेह बहादुर सिंह और एडवोकेट नीरज शाही की फर्जी फेसबुक आईडी बनाकर पैसे की मांग करते थे। एसएसपी ने बताया कि इस तरह से ठगों के गिरोह ने प्रतिष्ठित व्यक्तियों, नेताओं, पुलिस व्यवसायियों की फेसबुक आईडी हैक करके व फर्जी फेसबुक आईडी बनाकर मैसेंजर व व्हाट्सएप के माध्यम से पैसे की मांग करके मोटी रकम इकट्ठा कर लिया था। अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस के साथ साइबर क्राइम सेल को लगाया गया था। दोनों टीमों ने अपने संयुक्त प्रयास से 6 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अभियुक्तों के पास से पुलिस ने 5 मोबाइल फोन और 8 सिम कार्ड बरामद किया है। अभियुक्तों की पहचान जनपद मथुरा के थाना गोवर्धन निवासी अंसारी खान पुत्र वहीद खान, शाकिर खान पुत्र सहजून निवासी ग्राम मडौरा, वहीद खान पुत्र जुमरत निवासी ग्राम मडौरा, काशिम खान पुत्र चवशीन निवासी ग्राम मडौरा के रूप में हुई है। इसके अलावा 2 बाल आपचारी को गिरफ्तार किया गया है। एसएसपी ने कहा कि पूछताछ के दौरान अभियुक्तों ने बताया कि मोबाइल नंबर की सीरीज पकड़कर फेसबुक के लॉगिन पेज पर जाकर यूज़र आईडी व पासवर्ड में इंटर करते हैं। जिस आईडी का यूज़र आईडी, मोबाइल नंबर तथा पासवर्ड मोबाइल नंबर और नाम या मोबाइल नंबर के 6 अंक होते हैं, उस फेसबुक को लॉगिन करके हैक कर लेते हैं। उसी आईडी से उनके फेसबुक फ्रेंडों से मदद के नाम पर गूगल पे, फोन पे, पेटीएम के माध्यम से फर्जी वॉलेट और बैंक खातों में पैसे की मांग करते हैं तथा नेता, पुलिस, व्यवसायी, प्रतिष्ठित व्यक्तियों की प्रोफाइल फेसबुक पर सर्च करके उनकी फोटो व नाम एवं फ्रेंड लिस्ट को चुराकर फर्जी फेसबुक आईडी बनाकर उनके जानने वालों व शुभचिंतकों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजकर फ्रेंड बनाने के बाद मदद के नाम पर बैंक खातों में पैसे की मांग करते थे। गिरफ्तार करने वाले पुलिस टीम में कैंट थाना प्रभारी सुधीर कुमार सिंह, सोहन लाल राजवंशी, वरिष्ठ उपनिरीक्षक प्रविंदर कुमार राय, उपनिरीक्षक महेश कुमार चौबे, रविंद्र कुमार चौबे, सुनील कुमार, हेड कांस्टेबल नरेंद्र उपाध्याय, साइबर सेल से शशि शंकर राय, कांस्टेबल शशिकांत जायसवाल, राजेश सिंह सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसएसपी दिनेश कुमार पी ने कहा, गिरफ्तारी करके मेहनत किया है, उसमें भी इन लोगों का सराहनीय काम रहा है। उस केस में थोड़ा अपडेट है, पीछे व्हाट्सएप पर डाल देंगे मीडिया को। उसमें एक और गिरफ्तार हुआ है इटावा से, लगभग इनके खातों में अब तक की 1 करोड़ के लगभग ट्रांसैक्शन हुई है, 96,87,000 करीब, जिसमें से अब लोग हम लोग 5.5 लाख तक की पीडी आइडेंटिफाई कर पाए हैं। उसमें से 12 FIR हमको मिल गए हैं, जिसमें 10 FIR तो हमारा लखनऊ छोटा आया, भी धीरे 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 इतना करीब 8.5 लाख में अब तक हम लोग 13 FIR आइडेंटिफाई कर लिए। इनका एक खाते का ट्रांजेक्शन अब तक 96 लाख था, तो मुझे उम्मीद है क्योंकि लंबा काम पड़ता है, किस खाते से पैसे आया है, किस करता है, उसको पकड़ने में, उसको पता करने में टाइम लगता है। पहले इनका एक फर्जी खाता होता है, वो उसमें नहीं से पैसे आ रहा है, वो कहाँ से आया, पेमेंट पोर्टल में जाना पड़ता है, वहाँ से सवाल मांग पूछ के जवाब मांगा जाता है, वो कभी देता है, वो कभी नहीं देता है। तो जो जितना देता है फिर उससे उस खाते तक हम पहुँचते हैं, फिर आधार वेरीफाई होता है, फिर उसका नंबर निकालते हैं, फिर उससे बात करते हैं।
एक खाते को ट्रैक करने में कम से कम 2 दिन लग जाता है, 3 दिन लग जाता है। हमारे टीम ने बहुत अच्छा काम किया है, इसकी क्राइम के नेतृत्व में, इसकी क्राइम ने व्यक्तिगत अपने ध्यान दिया है सेलर क्रिमिनल्स पे, इसके चलते अब तक 13 आइडेंटिफाई हो पाए हैं। इसके अलावा 4 अभियुक्त हमारे फरार हैं, जो कि उनको भी पकड़ने की पूरा प्रयास किया जा रहा है। थाने में विवेचना जारी है, जिसमें SIT भी गठित हुई है, जिसका व्यक्तिगत पर्यवेक्षण SP क्राइम कर रहे हैं। देखिए, विगत दिनों में गोरखपुर के तमाम लोगों की फेक फेसबुक आईडी बना के उनके फ़ोन नंबर के गलत इस्तेमाल करके उनके जो प्रोफाइल का जो फोटोग्राफ चुरा के फेक आईडीज बना के उनके परिचितों से पैसे मांग कर पैसे ऐंठना और फेक प्रोफाइल बना के लोगों से वार्तालाप करना, उनसे आर्थिक सहायता मांगना, इस तरह के 3 केस दर्ज हुआ है। तो उसकी खुलासा साइबर सेल के मदद से SP क्राइम के नेतृत्व में कैंट थाने ने किया है। इसमें 6 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं, इसमें से 2 नाबालिग भी हैं, मथुरा जिले के रहने वाले हैं और इनको गिरफ्तार कर लिया गया है। इनके कब्जे से मोबाइल और सिम बरामद हुआ है और इनके द्वारा घटना की कबूल भी किया गया है। ये लोग पर्सनालिटीज़ को ढूंढते हैं, उनका फेक प्रोफाइल बनाते हैं, उनके आईडी से इनको दोस्तों को ढूंढते हैं, उसके बाद उनको टारगेट करते हैं, उनसे पैसे मांगते हैं। इसके अलावा ये लोग तमाम जो अन्य जो साइबर क्राइम में भी लिप्त होना पाया गया है, तो उसकी जांच जारी है। फिलहाल जो टीम इन्होंने इनको पकड़ा है उनको 25,000 के इनाम मेरे द्वारा दिया जा रहा है। देखिए, इनके पूरा ऐसा जानकारी मिल रहा है, पूरा गांव इस तरह से साइबर अपराधों में मतलब इन्वॉल्व है। अलग अलग मोडस ऑपरेंडी के तहत अलग अलग क्राइम ये लोग कारिज कर रहे हैं। संबंधित जनपद पुलिस की, मथुरा पुलिस की भी काफ़ी सहयोग रहा है, SP मथुरा के भी काफ़ी सहयोग रहा है। मथुरा पुलिस को इन्फॉर्म भी कर दिया गया है इस तरह से ये लोग साइबर अपराधों में लिप्त। हमारे यहाँ के 3 FIR से ये लोग कनेक्ट हुए हैं। इनके अनुसार विगत 2-2.5 साल में 50 लाख ये लोग इस मामले में कमा चुके हैं, ऐसे मोडस ऑपरेंडी यूज़ करके।